बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले इतना सारा दूध देखे ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आज मैं कुछ आपको मीठा सिखा रही हूँ, लेकिन अब ये है कि आज मैं दही बनाना चाह रही हूँ। और दही बनाने में दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर बात है हर एक के तरीक़ों में फ़र्क होने की वजह से वो चीज़ें जो हैं हर एक की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मैं जिस तरह दही बनाती हूँ आज मैं वो तरीक़ा बता रही हूँ। तो ऐसा है कि गर्मी की वजह से आजकल दही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर घर में दही की ज़रूरत बढ़ जाती है, लस्सी पी जाती है, मीठी नमकीन फ्लेवर्ड लस्सी। मेरे अपने घर में दही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो बजाय इसके कि मैं बाज़ार से दही लेके आऊँ, मैं घर में जमा लेती हूँ दही। और उसके लिए आज मैं बताऊँ आपको कि मैंने गैलन लिया, यहाँ पे गैलन मिलता है दूध का, तो वो इसमें तकरीबन 4 लीटर से कुछ कम होता है। और मैंने जो है वो इस पूरे गैलन का दही बनाना है, और रूटीन है मेरी, मैं इतना ही दही बनाती हूँ। और इसमें इस पूरे गैलन में जो है मेरी अंदाज़ा जो है वो दही के लिए वो 1 लीटर के हिसाब से 2 टेबलस्पून दही जो है वो यूज़ होता है। तो इस पूरे 4 लीटर से कुछ कम दूध में मैं 7 चम्मच दही डालती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, और थोड़ा सा पानी यूज़ होता है ताकि दही को फेंटने में आसानी हो जाए। और जैसा कि यहाँ पे तो फुल क्रीम दूध मिलता है, लेकिन उसके बावजूद दूध पे मलाई नहीं आती है, तो वो थोड़ा सा इसलिए हमें कमी महसूस होती है उसकी। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि दूध में उबाल आ रहा है और मैं चम्मच चला रही हूँ इसमें, इसलिए कि दूध की खसूसियत है कि वो पतीली में लग जाता है। आपकी देगची में लाजमी आप जितना मर्जी आए उसे चला लें, उसने हल्का फुल्का लगना ही होता है। चलाने का मकसद यही है कि उसको जो है लगने की रफ्तार जो है दूध पतीली में वो कम हो। सो अब देखिए दूध में उबाल आ चुका है और इसको मैंने कोशिश की है कि ये नीचे कम से कम लगे। तो ये कि 2-3 उबाल इसमें आ रहे हैं, 2-3 उबाल के बाद, ये ज़रूरी नहीं है वैसे कि आप 2-3 उबाल लेके आएं, क्योंकि दूध यहाँ पे अच्छा ही है और इसलिए मुझे ये ज़रूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन दूध पतला हो तो अच्छा होता है कि अगर 2-3 उबाल आ जाए उसके बाद फिर आप अगले स्टेप्स को फॉलो करें। तो यहाँ मेरा ये काम हो चुका है, अब मैं यहाँ पे इसको चूल्हे को बंद कर रही हूँ ताकि इसको फिर हम थोड़ा सा फेंटेंगे, इसकी फिटाई करेंगे दूध की, ताकि ऊपर अच्छा सा झाग बने और वही झाग जो है वो जमने के बाद थोड़ी सी मलाई की सूरत में आ जाता है। और दूसरी तरफ हम इसमें दही लेते हैं, और ये ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको कि दही जो है वो ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर का हो, तो वो ज़्यादा अच्छा आपको फ़ायदा देगा। सो यहाँ पे दही मैं 7 चम्मच दही लूँगी, और बहुत भर भर के नहीं ले रही। चम्मच हमने दही लिया है यहाँ पे, और तकरीबन जो है वो आधा ग्लास का, आधा ग्लास से भी कम पानी हमारा इसमें जाएगा। ये अगर आपको पता चल रहा हो उसमें, तो मैंने ये सिर्फ आधा ग्लास पानी लिया है, और सिर्फ इतना हमने डालना है, क्योंकि दही का ये पानी जो है ये दही को जमाने की रूट होती है, इसको इससे ये चीज़ जमता है। तो आज मैं ख़ुद भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ इसलिए, नहीं तो मैं दही को पहले नाप के और इसमें पानी डाल के रख देती हूँ थोड़ा सा, तो उससे ये होता है कि ये लस्सी में और उसका जायका और उसकी अफादियत जो है दही की वो पानी में शामिल हो जाती है। और
हमारे मतलूबा नतायज जो हैं वो हासिल हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें ये बहुत ज़्यादा मैंने पतला नहीं किया है, बिल्कुल लस्सी की फॉर्म में नहीं लेके आई हूँ, सिर्फ घुल सके ये आराम से दूध में। तो चलें थोड़ा सा हम दूध की फिटाई करते हैं, और फिर हमने जिस उसमें जिस बोल में हमने जमाना है दही, और हम फिर अब उसकी तरफ पेशकदमी करते हैं। चलिए ये देखिए हमने दूध जो है वो उबल गया था, इसमें अपने बोल में जो है वो शिफ्ट कर लिया है जिसमें हमने जमाना है, और इसके बाद इसकी थोड़ी सी फिटाई करके, क्योंकि ये झाग जो इसके ऊपर बनता है, ऐसा दूध वालों का कहना है कि यही झाग जो है ये मलाई की सूरत लेता है, लेकिन यहाँ दूध में फुल क्रीम मिल्क में भी, फुल फैट मिल्क में भी दही के ऊपर मलाई नहीं आती, जब हम दूध उबालते हैं तो दूध के ऊपर भी मलाई नहीं आती है। सो थोड़ी सी फिटाई करके और इसको यहीं पे इसी तरह ही रहने देंगे, यहाँ तक कि ये इतना ठंडा हो जाए कि इसमें उंगली आपकी आराम से शामिल हो सके, या आपकी उंगली दूध जो है उसको आप आराम से छू सकें। इतनी हल्की सी गर्माई सिर्फ उसमें रहनी चाहिए, उस वक्त जो है फिर दही शामिल करेंगे। तो चलें थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं इसका, और उसके बाद फिर दही शामिल करते हैं। ये देखिए अब हमने इसको चेक करके देखा है, और आराम से हमारी उंगली जो है वो बग़ैर जले, तो इसलिए अब इस स्टेज पे हम इसमें दही शामिल करेंगे। और दही शामिल करके इसको एक तरफ से, पूरे में नहीं चलाना, सिर्फ एक तरफ से दही सारा डाल दिया, और इसी तरफ से या एक तरफ से इसको हल्का हल्का हम घुमा देंगे। बस ये नहीं है कि पूरे दही में चम्मच चलाएं आप, या पूरे दूध में जो है वो सॉरी चम्मच चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें नीचे नीचे आप सारा इसी तरह इसको मिक्स करें, क्योंकि मैंने ऐसा तजुर्बा किया है कि अगर हम इसको पूरे का पूरा चम्मच पूरे दूध में या पूरे बोल में हम चला देते हैं तो दही और जो है वो बहुत ज़्यादा लेस वाला सा बनता है, बहुत लेसीला होता है वो। बस अब हम इसको बंद करके और गरम उसमें रख देंगे। अब चूंकि हम किसी गरम जगह में नहीं रख रहे, गर्मी वैसे ही बहुत हो रही है, तो मैं इसको थोड़े से कपड़ों में लपेट के रख लूँगी ताकि जितनी देर ये मज़ीद गर्म रह सकता है तो वो रह ले। अब यहाँ पे ये बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि आपने इसको आराम से 8 से 12 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी शेप को होल्ड करे और अच्छे तरीके से जमे दही। उसके बाद फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटा, और उसके बाद फिर ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। सो मैं रात के वक्त में इसको जमा रही हूँ, और ओवरनाइट इसको रखूँगी मैं इसी तरह, और फिर सुबह में उठ के इसको 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के, और फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। ये देखिए दही हमने कल जमाया था, और 11 घंटे तकरीबन हो चुके हैं इसको। अब मैं आप लोगों को खोल के एक मरतबा ये दिखा दूं, और उसके बाद फिर मैं इसे फ्रिज में रखूंगी 2 घंटे के लिए। और ये देखिए अभी इसमें हल्का सा ये पानी का इफ़ेक्ट जो आ रहा है, ये अभी तकरीबन 2 घंटे रखूंगी, और अभी ये जम चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए। ठीक है, अब मैं आपसे 2 घंटे के बाद मिलूँगी इंशाल्लाह, फिर मैं आपको सही सूरत हाल इसकी दिखाती हूँ। अब 2 घंटे गुजर चुके हैं, और ये देखिए कितना अच्छा दही माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो गया है, और मैं अब आपको ये काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए सही पूरा आप ये आराम से देख सकते हैं
ये इस तरह आराम से कट के निकलता है, जिस तरह सही दूध दही वालों का दही होता है ना, इस तरह का। और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। खैर, लेकिन ये कि अगर आपको महसूस हो कि इसमें खटास आ रही है, तो आप थोड़ा सा दही जमाते वक्त थोड़ा सा चीनी ऐड कर सकते हैं उसमें, बिल्कुल। तो उससे ये होगा कि खटास का आंसर बहुत कम हो जाता है या नहीं आता फिर। तो चलिए फिर, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं दोबारा नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आपको अपनी शान के मुताबिक नवाजे। अल्लाह हाफिज़।